डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, किसी के भी जीवन में संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वस्तु है, कौमा जो संगीत को सुनना और गाना पसंद करते हैं, कौमा वो अपने जीवन में संगीत के महत्व को भी जानते हैं, विराम। एक व्यक्ति जो संगीत सुनना और गाना पसंद करते हैं, कौमा वो जीवन में किसी भी समस्या से कभी भी परेशान नहीं होते हैं, विराम। यह तनाव मुक्त होने और मस्तिष्क को आराम प्रदान करने में मदद करने के साथ ही जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, विराम। बहुत से लोग विभिन्न उत्सवों और कार्यक्रमों पर संगीत सुनना और गाना बहुत पसंद करते हैं, विराम। कुछ लोग हर एक समय संगीत सुनने जाते हैं, जैसे ऑफिस में, कौमा घर में, कौमा रास्ते में आदि, विराम। यह जीवन की सभी समस्याओं से दूर रखने में मदद करता है, विराम, और समस्याओं के समाधान भी देता है, विराम। आजकल कौमा बड़ी कंपनियों में, ऑफिसों में कर्मचारियों के काम करने के समय पर उनके मस्तिष्क को तरोताजा, कौमा शांतिपूर्ण, कौमा एकाग्र, कौमा सकारात्मक विचारों वाला बनाने के साथ ही कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए धीमी आवाज में गाना चलाने का दौर चलन में है, विराम। मुझे संगीत से प्रेम अपने आनुवांशिक गुणों के कारण है, क्योंकि मेरे पिताजी और दादाजी को संगीत का बहुत शौक था, विराम। मेरे घर में सुबह से शाम तक धीमी आवाज में संगीत चलता रहता है, विराम। मैं संगीत की धुनों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, कौमा, लेकिन मैं अक्सर यात्रा या पढ़ाई के दौरान संगीत सुनना पसंद करता हूँ, विराम। साप्ताहिक अवकाश के दौरान, कौमा, अपने परिवार के साथ घर या पिकनिक पर या अन्य किसी भी पसंदीदा जगह पर, कौमा, हम नृत्य करते हैं, कौमा, संगीत सुनते हैं और गाने गाकर छुट्टी का आनंद लेते हैं, विराम। संगीत मेरी आत्मा को छूता है और मुझे यह एहसास कराता है कि, कौमा, मुझे इस संसार में कोई समस्या नहीं है, विराम। संगीत बहुत ही शक्तिशाली है और सभी भावनात्मक समस्याओं के लिए सकारात्मक संदेश पहुंचाता है और किसी से भी कुछ भी नहीं पूछता, विराम। यह आवाज रहित है, हालांकि, कौमा, हमें सब कुछ बताता है और मनुष्यों से ज़्यादा समस्याओं को साझा करता है, विराम। संगीत की प्रकृति प्रोत्साहन और बढ़ावा देने की है, कौमा, जो सभी नकारात्मक विचारों को हटाकर मनुष्य की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है, विराम। संगीत वो वस्तु है जो हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ की, कौमा, सभी अच्छी यादों को पुनः याद करने में मदद करता है, विराम। इसकी कोई सीमा, कौमा, बाधा और नियम निर्देशिका नहीं है, इसे तो केवल लगन और श्रद्धा के साथ सुनने की आवश्यकता है, विराम। जब भी हम संगीत सुनते हैं, कौमा, यह हृदय और मस्तिष्क में बहुत अच्छी भावना लाता है, कौमा, जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है, विराम। यही जुड़ाव भगवान की सर्वशक्ति होता है, विराम। पैरा, संगीत के बारे में किसी ने सही कहा है कि संगीत की कोई सीमा नहीं है, कौमा, यह तो सभी सीमाओं से परे है, विराम। और संगीत जीवन में और जीवन संगीत में निहित है, विराम। इससे प्रभावित होकर, कौमा, मैंने भी संगीत और गिटार बजाना सीखना शुरू कर दिया है और यही आशा है कि, कौमा, एक दिन बहुत अच्छा संगीतज्ञ बनूंगा, विराम।
घर शिक्षा प्राप्त करने पहला स्थान है और सभी के जीवन में अभिभावक पहले शिक्षक होते हैं। विराम, हम अपने बचपन में शिक्षा का पहला पाठ अपने घर विशेष रूप से माँ से प्राप्त करते हैं। विराम, हमारे माता पिता जीवन में शिक्षा के महत्व को बताते हैं। विराम, जब हम 3 या 4 साल के हो जाते हैं तो हम स्कूल में उपयुक्त नियमित और क्रमबद्ध पढ़ाई के लिए भेजे जाते हैं जहां हमें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं तब हमें एक कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण मिलता है। विराम, पैरा, एक एक कक्षा को उत्तीर्ण करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जब तक कि हम 12वीं कक्षा को पास नहीं कर लेते। विराम, इसके बाद तकनीकी या पेशेवर डिग्री की प्राप्ति के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं जिसे उच्च शिक्षा भी कहा जाता है। विराम, उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। विराम, हम अपने अभिभावकों और शिक्षकों के प्रयासों के द्वारा अपने जीवन में अच्छे शिक्षित व्यक्ति बनते हैं। विराम, वे वास्तव में हमारे शुभ चिंतक हैं जिन्होंने हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाने में मदद की। विराम, आजकल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि सभी की उपयुक्त शिक्षा तक पहुंच संभव हो। विराम, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के महत्व और लाभों को दिखाने के लिए टीवी और अखबारों में बहुत से विज्ञापनों को दिखाया जाता है क्योंकि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी और शिक्षा की और अधूरी जानकारी के कारण पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। विराम, पहले शिक्षा प्रणाली बहुत ही महंगी और कठिन थी गरीब लोग 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। विराम, समाज में लोगों के बीच बहुत अंतर और असमानता थी। विराम, उच्च जाति के लोग अच्छे से शिक्षा प्राप्त करते थे और निम्न जाति के लोगों को स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। विराम, यद्यपि अब शिक्षा की पूरी प्रक्रिया और विषय में बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं। विराम, भारतीय सरकार के द्वारा सभी के लिए शिक्षा प्रणाली को सुगम और कम महंगी करने के लिए बहुत से नियम और कानून बनाकर लागू किया गया है। विराम, पैरा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दुरुस्त शिक्षा प्रणाली ने उच्च शिक्षा को सस्ता और सुगम बनाया है ताकि पिछड़े क्षेत्रों गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भविष्य में समान शिक्षा और सफलता प्राप्त करने के अवसर मिले। विराम, भलीभांति शिक्षित व्यक्ति देश के मजबूत आधार स्तंभ होते हैं और भविष्य में इसको आगे ले जाने में नेतृत्व करते हैं। विराम, इस तरह शिक्षा वो उपकरण है जो जीवन समाज और राष्ट्र में सभी असंभव स्थितियों को संभव बनाती है। विराम, 3 मंजिला प्रभावपूर्ण ढंग से बना मेरा स्कूल बहुत शानदार है और जो शहर के बीचों बीच स्थित है। विराम, ये मेरे घर से लगभग 3 किमी की दूरी पर है और मैं अपने स्कूल बस से जाता हूँ। विराम, मेरा स्कूल राज्य का सबसे अच्छा स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। विराम, ये बेहद शांतिपूर्ण और प्रदूषण से दूर स्थित है। विराम, स्कूल के दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं जो हर मंजिल की
तरफ ले जाता है विराम। इसके पहले तल पर सुसज्जित और बड़ी पुस्तकालय कौमा अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला और एक कंप्यूटर प्रयोगशाला है विराम। इसके भूतल पर स्कूल रंग भवन है जहां सभी वार्षिक कार्यक्रम कौमा मीटिंग कौमा पीटीएम कौमा नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। संपूर्ण विराम।